हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मेरे सामने एक ट्रेन खड़ी है और भाई पबजी में सुबह सुबह एक न्यू मोड आ चुका है जिसका नाम है इरेंगल मेट्रो। और इस मोड में जो दोस्तों आप लोगों को मेट्रो देखने को मिलती है, बहुत सारे मेट्रो के टर्मिनल आप देख सकते हैं मैप में, और साथ ही साथ जो है आपको स्टेशन भी दिख रहे होंगे। मतलब ये D3, D2, D1, B1, B2 ये सब जो आपको दिख रहा है ये स्टेशन है, यहाँ से आप मेट्रो पकड़ सकते हो और भाई किसी भी मतलब दूसरे एरिया में जा सकते हो। जैसे मान लो आप D1 में हो तो D2 में जा सकते हो, D2 से फिर आप D3 में जा सकते हो, फिर D4 में जा सकते हो। तो भाई यहाँ पे जो मैंने डिसाइड करा, मैं जाने वाला हूँ पोचकनी में, क्योंकि पोचकनी में B3 भी था और D3 भी था, तो मैंने कहा ये दोनों का सेंटर हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो है मैं मेट्रो पकड़ूंगा और उसके बाद देखते हैं मेट्रो के अंदर हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस मेट्रो के अंदर जो है एक बॉस होता है, मतलब एक जॉम्बी टाइप का होता है जो रक्षा कर रहा होता है एक अंडरग्राउंड ट्रेजर की, जिसके अंदर आपको मिलती है AWM और साथ में ग्रोजा मतलब गर्जा। तो भाई मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और भाई जैसे ही ये मोड मैंने लगाया था ना, तो भाई मेरा तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन था, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैंने कहा भाई अब तो मजा आने वाला है इस गेम प्ले में, क्योंकि हमने भैया मेट्रो रॉयल मोड तो खेला था लेकिन वो इतना खास नहीं था जितना मुझे ये खास लगा। और ये इरेंगल के अंदर भी जो इसको काफी सारे लोग खेलने वाले हैं, और मैं इस मैच में आपको समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को पूरा समझा सकूं मैं कि ये मेट्रो का क्या सीन है और क्या क्या आपको करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जब मैं पोचकनी उतर रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग ये चल रहा था कि पहले पोचकनी खाली करेंगे और फिर जो है मेट्रो पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है लूट भी करनी जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट कभी भी ना ऐसे इवेंट वगैरह में मत जाया करो। मतलब कोई भी जगह होती है ना, आप डायरेक्ट मत जाया करो, क्या पता वहाँ पे क्या मिल जाए और आपकी पिटाई हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरे सामने एक स्क्वाड और उतर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है भैया आ जाओ, तुम्हें तो चिकनी चमेली बना बना के मारूंगा। और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं उतरता हूँ अपने 5 घरों के पास, जैसे कि आप सभी को पता ही मेरे फेवरेट है। और इस बार जो अपना घर चेंज कर लेता हूँ, मैं हमेशा ना सेंटर नीले वाले में जाता हूँ, लेकिन भैया आज लालच आ गया था, सामने गेट दिखा मैं घुस गया। अब यहाँ पे दोस्तों घुसते ही मेरे को मिल जाती है अपनी ये ऊजी पूजी, और भाई ऊजी पूजी से आपको पता ही है भाई क्या ही मतलब क्लोज रेंज में चलती है ये। और यहाँ पे मेरे को काली स्प्रिंग भी मिल जाती है, तो मैं पूछ जाता हूँ भाई बंदे मारने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ तो भाई मेरे को थोड़े फुटस्टेप वगैरह आने शुरू हो जाते हैं और मेरी निकल जाती है टट्टी। मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, जल्दी आ जाओ भाई, मेरी हवा निकल रखी है मतलब टाइट हो रखी है थोड़ी सी हवा। और भाई सही मेरे को डर लग रहा है कि भाई कहाँ से बंदे आएंगे कहाँ से आएंगे, क्योंकि पहले गेम प्ले था तो मैं चाहता था ये रिकॉर्ड हो जाए और आप लोगों को दिखा सकूँ। तो भाई ऐसे में थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ये जो बीस्ट गोड है उसको भाई कोई नॉक कर देता है, और मैं जो है बदला ले लेता हूँ भाई इसका, मतलब इसको तो पूरा मार देता हूँ मैं। ये जो बंदा था मतलब इसको नॉक करा था इसने, इसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब बारी थी उसके टीममेट की, अब हम कोशिश तो करते हैं लेकिन इसको बचा नहीं पाते हैं, और इतने में इसका पीछे से बंदा आता है ये वाला। अब भाई मैं सोचा मैंने तो हक दिया और मैं यहाँ मरूंगा, लेकिन भैया VSS ने साथ दे दिया और भाई VSS से मैंने उसको इजीली यहाँ पे मार दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको मारता हूँ तो भाई मेरे को पता था उसको और टीममेट भी आ सकते हैं, तो मैं भाग रहा था छुप के ताकि मैं बच सकूँ, भाई पता चला और बंदे आ गए। लेकिन इतने में जो है यहाँ पे फिनिश हो जाती है पूरी स्क्वाड, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सिर्फ यहाँ पे एक ही किल आता है। अब मेरे को वहाँ पे दिख गया था कमलेश भाई भक्ता आया था डुन 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 डुन, तो मैंने कहा कोई और से पहले किल चुराया तो मैं फटाफट चुरा लेता हूँ। मैंने M4 भी नहीं उठाई हुई, मैंने कहा पहले किल चुराऊंगा, मतलब भाई फटाफट से किल ले लेता हूँ वरना कोई और आएगा और वो इसको चुरा लेगा। तो मुझे तो पता ही था मेरी पेटी में M4 पड़ी है, तो भाई मेरे को टेंशन थी नहीं, तो मैंने कहा बाद में उठा लूँगा चुपचाप से जाके। और यहाँ से मेरे को मिल जाती है बैरल, तो मैंने कहा भाई बैरल भी उठा लो, और यहाँ से जो है मैंने उजी फेंक दी और UMP उठा ली, क्योंकि मुझे पता था आगे जाके तो मुझे M4 उठानी है। तो ऐसे ही मैं गन चेंज कर रहा था, और यहाँ पे जो है दोस्तों अब मैं यहाँ से M4 उठाता हूँ और उसके बाद देखना भी क्या होगा। अब भैया मैंने M4 तो उठा ली लेकिन उसमें एमओ ही नहीं थी, तो भाई यार ये तो पोपट हो गया मेरा। मतलब मेरे को लगा कि भाई मेरे पास जो है काफी सारी एमओ पड़ी होगी इस पेटी में, लेकिन भैया एमओ नहीं मिलती है। लेकिन इतने में जो है यहाँ से मेरे को फिर से फुटस्टेप आते हैं और भाई इस बार जो है एक और कमलेश मेरे को मिल जाता है। अब मेरी जो गन है ब्रश मोड पर होती थी, मुझे पता नहीं था, तो मैं सोचा इस बैरल को क्या हो गया भाई चल नहीं रही ढंग से। फिर मैंने देखा ये तो ब्रश भी मैंने कर रखी है, और यहाँ से जो है इस वाले कमलेश से मेरे को बहुत सारी हरी गोलियां मिल जाती है और साथ में जो है ब्राउन वाली गोलियां भी मिल जाती है। तो अब मेरे को यहाँ पे काफी सही लूट मिल चुकी थी मेरे पास, मतलब 3x भी था, M4 भी था, बैरल भी थी। तो मैंने कहा भाई अब क्या सही है, अब सीधा स्टेशन पे निकलते हैं और मेट्रो पकड़ते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं भाग पड़ा चूरन की स्पीड में मेट्रो की तरफ। अब इस मेट्रो स्टेशन के पास आप देख सकते हैं ऐसे जंग सा जमा हुआ है, तो ऐसा लग रहा होगा आपको देखने की यार ये तो मेट्रो बहुत पुरानी है, लेकिन भैया अंदर से एकदम चमचमाती मेट्रो है ये। और यहाँ पे जो मेट्रो का एक डंडा भी लगा रखा है जिसपे लिखा हुआ है M, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर साइड में। और यहाँ पे जैसे अब इसके भाई अंदर घुसोगे ना मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करोगे, तो एक आपको अजीब सी आवाज आएगी जैसे आप किसी भूतिया बंगले में घुस गए हो। और यहाँ पे आते ही ना हमारी हेल्थ कम होने लग गई थी। अब मैंने कहा यार ये हेल्थ कम क्यों हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव जोन, मतलब आप जो है एक रेडियो एक्टिव जोन के अंदर में है। अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आपकी जो है हेल्थ कम होती रहेगी, बहुत धीरे धीरे होती है। और यहाँ पे जो है ये हर एक जगह नहीं होता है, ये सिर्फ रैंडमली जगह पे होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे आता है भाई ये मॉन्स्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो भाई इस मॉन्स्टर को जो है हमें मारना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं घुसड़ चला रहा हूँ, उसके बाद जो यहाँ पे मार रहा होता हूँ और मैं घुस जाता हूँ भाई नाली के अंदर, मेट्रो की नाली के अंदर, मतलब पटरियों के अंदर, और वो जो है जीत के चिपट रहा होता है। तो मैंने कहा भाई तू कैसे चिपट सकता, रुक अभी तेरे को बताता हूँ। और मेरी बैरल जो है बार बार ब्रश हो जाती है पता नहीं कैसे, और भाई मैंने उसको 1 HP छोड़ता है, इतने में जीत उसको पेल देता है। अब यहाँ से इसको मारने पर ना हमें एक मटेरियल सा मिलता है, लेकिन जिसका यूज़ अभी तक मेरे को पता नहीं क्या है। अब जैसे ही हम इसको मारते हैं तो मेरे को वहाँ पर ना रोशनी चमकती हुई दिखती है, तो मैंने कहा ये क्या भाई। तो मेरे को समझ आया भाई ये जो है इस डब्बे की रक्षा कर रहा होता है, और उसका नाम आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड टीजर। तो भाई इसके अंदर मिलती है आपको AW जम और ग्रोजा। तो मैंने जो है यहाँ पे AW उठा ली और ग्रोजा अपने टीममेट के लिए छोड़ दी, क्योंकि जीतने बोलता कि मेरे को AW नहीं मेरे को ग्रोजा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई तू ग्रोजा ले ले। और यहाँ पे इतने में दो बंदे और आ देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो है मेट्रो की सवारी करने आए थे, इनके पास टिकट नहीं थी, तो इनकी हमने चोटी रगड़ दी मैंने और बियॉन्डर ने मिलकर। तो भाई बिना टिकट के आओगे मतलब बिना टिकट के, तो भाई जो टिकट चेक कर रहे हैं ना वो चोटी ऐसे रगड़ता है। तो हम जो है यहाँ पे TT बन गए थे, मतलब भाई हम टिकट चेक कर रहे थे सबकी, और यहाँ पे जो है बिना टिकट के जो भी आएगा उसको हम फेल देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मेट्रो में तो बैठ जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कब चलेगी क्या चलेगी, क्योंकि हमने ऊपर बोर्ड नहीं देखा होता अभी। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यार ये मेट्रो चलेगी कब, हम तो ऐसे बैठ जाते हैं नंगे पुंगे, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है कि कब मेट्रो चलने वाली है क्या होने वाला है, बस हम ऐसे ही मतलब घूमे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं जो हमारी हेल्थ है ना वो बार बार जो है कम हो रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने एक मेरिंडा भी पी ली। और यहाँ पे आप देखते हैं हमें समझ नहीं आ रहा था करना क्या है भाई। अब मतलब ATAC मेरे पास आ गया, AWM मेरे पास आ गई है, M4 मेरे पास आ गई है, ये मेट्रो कब चलेगी। तो हमें डर लग रहा था इसलिए हम जो मेट्रो में बैठे हुए थे, और इतने में भाई मेट्रो का गेट बंद हो जाता है। अब जैसे कि आप देखते हो भाई जैसे ही मेट्रो का गेट बंद होता है तो अपने आप ही आपके हथियार जो है ना वो पीछे हो जाते हैं, और जैसे ही पीछे होंगे और आप उसके बाद जो है एक अलग ही मतलब टर्मिनल में निकल जाओगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मैप में देख रहा था मैं कहाँ पे हूँ, तो मुझे जो है दूसरे टर्मिनल पे फेंक देता है ये, मतलब एक टर्मिनल से जुड़ी हुई है ठीक है, B1 से B2 और B2 से B3, तो ऐसे करके जो है ये एक से दूसरे टर्मिनल पे जाती है। और अगर ये जो है मतलब जोन के बाहर हो गया टर्मिनल तो आपकी मेट्रो जो है क्लोज हो जाती है, तो वहाँ पे जो है आपको कुछ भी मतलब जो है मेट्रो नहीं चलेगी और आप जो है फंस जाओगे उसके अंदर। तो आपको जो है एवेलेटर से जो है ऊपर जाना पड़ेगा, यानी जो सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने के बाद जो है मतलब मैन्युअली अपना आपको बाहर निकालना पड़ेगा, आपके लिए ट्रेन नहीं चलेगी। तो मतलब वो समझ लीजिए वो लास्ट स्टैंड हो जाता है जब आप जोन के बाहर अगर आप ट्रेन पकड़ते हो, तो मतलब जोन ब्लू जोन जब आ जाता है टच कर जाता है ट्रेन को, तब मतलब अगर आप व्हाइट सर्कल के बाहर ट्रेन है तो कोई दिक्कत नहीं आप ट्रेन पकड़ सकते हो। अब हमारा ना एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था ना कि हमें समझ नहीं आता हमें करना क्या है, बस हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे मतलब मेट्रो के अंदर बैठे हुए थे, और हमें कुछ नहीं पता था कि करना क्या है, बस हम बस बैठ रहे हुए थे कि भाई कब चलेगी दोबारा कब चलेगी, मजा आया था भाई चलने पे, तो वो चीज़ हम वेट कर रहे थे। और फिर जो है एकदम से दोबारा गेट बंद होते हैं और भाई फिर से अंधेरा छा जाता है, और भाई जब मेट्रो चलती है ना तो अंडरटेकर सा आता है भाई, अंडरटेकर टन ऐसे करके आता है और भाई अपनी रिंगटोन में जाके वापस भग जाता है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ हमें जो है इस मेट्रो ने फिर से जो है हमें वापस से सेम जगह फेंक दिया, मतलब यहाँ पे हमारी हेल्थ भी कम हो रही थी और दूसरे स्टेशन पे हमारी हेल्थ कम भी नहीं हो रही थी। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि जो बॉस आपने मारा था हर एक स्टेशन पे होता है या अलग अलग स्टेशन पे होता है, कहाँ होता है, तो ये रैंडमली आपको बता दूं मैं किसी भी स्टेशन पे आपको मिल सकता है। और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लीव स्टेशन करा तो मैं जो है बाहर आ जाता हूँ। अब बाहर आओगे ना तो भाई आपको एकदम से चक्कर सा आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा आने लग जाएगा, अभी आप देखना गेम प्ले में थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक चीज़ नहीं होती, जैसे कि आप मेट्रो से बाहर निकलते हो और बाहर बहुत धूप हो तो एकदम से सर चकरा से जाता है, वही हुआ भाई यहाँ पे। अब दोस्तों हमने जो है मेट्रो को लीक तो कर दिया था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो मेट्रो कैसे चल रही है क्या चल रही है, तो उसके लिए हम दोबारा मेट्रो के अंदर घुसेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है सोचते हैं कि यहाँ से पोचिंग की वोचिंग जाते थोड़ा बहुत और बंदे मारते, क्योंकि 4 के लिए हुए थे मेरे यहाँ पे, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम जो है मेट्रो के अंदर ही बिता दिया और बंदे जो है काफ़ी कम बचे थे। तो जीत लेके आ जाता है यहाँ से गाड़ी और हमने कहा चल ठीक है अब देखते हैं भाई क्या करना है। और यहाँ से जो है यहाँ से बियॉन्डर भी आ जाता है और इस बार जो है बियॉन्डर भी खेल रहा है, आप काफ़ी टाइम बाद बियॉन्डर को देख रहे होंगे मेरे साथ गेम प्ले में, तो आप लोग भी काफ़ी डिमांड थी कि भाई बियॉन्डर को बुलाओ। लेकिन इतने में जो है यहाँ से कमलेश आ जाता है बियॉन्डर का नाम लेती और यहाँ पे जो इसको मैं पट से हेडशॉट मारता हूँ, मैंने कहा कोई नहीं मारेगा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ही मारूंगा। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं इस कमलेश को मारता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी हरी गोलियाँ मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ से हम निकल जाते हैं गुटका के लिए, क्योंकि भैया गुटके में जो है मेरे को दिख रहा था कि एक और स्टेशन है, तो मैंने कहा B2 करके स्टेशन है, लेकिन भैया इतने में मेरे को एक बॉट मिलता है कमलेश मिलता है, तो मैं इसको मारता हूँ और बोलता हूँ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और उसके बाद जो दोस्तों हम फिर से जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं और हम निकल जाते हैं गुटका की तरफ, क्योंकि गुटका में हमें ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारे बंदे मिलेंगे और भाई स्टेशन है तो हो सकता है वहाँ पे भी एक बॉस मिलेगा और वहाँ पे भी हमें AWM और ग्रोजा मिल जाएगी। तो हम फटाफट से गुटका की तरफ निकल जाते हैं धूम मचाते हुए। अब हम जैसी गुटका पे आते हैं तो भाई मेरा जो पिंग इधर उधर होता है और मैं बियॉन्डर को बोल रहा होता हूँ बियॉन्डर 13 हो रहा है मेरा हो रहा है, तो आप मेरा पिंग देख सकते हैं भाई 400 प्लस पिंग चला गया था मेरा, पता नहीं क्या हो गया था अचानक से भाई 500 पिंग आने लग गया था और अचानक से मेरा जो है पिंग वापस से ठीक हो जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है यार ये मेट्रो स्टेशन में, अगर आपको एंट्री करनी है तो एक एक करके एंट्री होती है, मतलब नखरे है भाई इसके, यूँ गेट खुल जाए और फटाफट एंट्री हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इधर आता हूँ तो मेरी हेल्थ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही होती है, तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी ये जो बॉस है ना जहाँ पे भी बॉस होता है
मतलब जहाँ पे बॉस आया होता है फर्स्ट टाइम, मतलब कोई मार के जा सकता है आपसे पहले भी, मतलब वो वाला जो एरिया वो इन्फेक्टेड होता है और वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मतलब आपकी हेल्थ कम होती है। अब मेरे को फाइनली यहाँ पे ये पता चल जाता है कि भाई ये जो मेट्रो है कैसे चलती है। तो आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल रियल मेट्रो होती है ना, उसमें टाइमिंग लिखी आती है कि नेक्स्ट स्टेशन कब आएगा, मतलब या फिर नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी। तो वैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं दे रखा है, और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, मतलब ये जो है मेट्रो जाएगी जो आएगी B3 पे, तो मतलब अभी ट्रेन आने वाली है, मेट्रो आने वाली है, और वो जो जाएगी B1, आप देख सकते हैं ये वाला जो है B1 पे जाएगी और ये वाला जो है वहाँ पे मतलब B3 पे जाएगी। तो यहाँ पे आप बोर्ड पढ़ के बैठ सकते हो और भाई जो है मेट्रो का मजा ले सकते हो। तो भाई यहाँ पे ना बियॉन्डर भगता आ रहा होता है और बियॉन्डर छूट जाता है और भाई मेरी इतनी हंसी छुट्टी है ना भाई बियॉन्डर को, ओ भाई मैं इतना गंदा चढ़ाता हूँ बियॉन्डर को। तो भाई बियॉन्डर वहाँ पे कूड़ा वूड़ा बीन रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, टाइमिंग देख रहा होता है और ट्रेन उसको छोड़ के चले जाती है। तो भाई इतना चिढ़ाया ना मैंने बियॉन्डर को वहाँ पे, लेकिन फिर बियॉन्डर बोलता है अभी तुम जोन के बाहर चले गए, तुम्हारा फोफट हो गया। मैंने कहा कुछ भी हो गया भाई, तू तो वहीं छूट गया ना भाई, बियॉन्डर को खूब चिढ़ाया मैंने वहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हम थोड़ा बहुत और लूट करते हैं, हमें लगा यार बॉस वॉस मिल जाए कहीं पे, क्योंकि हमारा जो है ना एम ये था कि एक और बॉस मिल जाए, मजा आएगा। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम में उसको जल्दी जल्दी मार दिया और समझ नहीं आया भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं सोच रहा था यार यहाँ पे डब्बे पड़े हो तो मिल जाए, मतलब भाई यहाँ पे AWM ग्रोजा मिली थी ना मेरे को, तो मैंने कहा यहाँ पे भी हो सकता है मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें और ज़्यादा जो है मतलब बॉस नहीं मिलते हैं। तो बॉस जो है रैंडमली कहीं पे भी स्टेशन पे हो सकता है, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे B2। तो अब जो है हमें B2 में जाना था, और अब जो है मैं आपको ट्रेन का वो भी हिसाब बता दूँ कि क्या है, जब मैंने गेम खेला था मैंने अच्छे से समझ लिया कि 1 मिनट तक जो है भाई ट्रेन आती है, मतलब ठीक है 1 मिनट लगाती है एक स्टेशन पे ट्रेन आने के लिए, और जाने के लिए भी 1 मिनट लगाती है। यानी अगर आपके स्टैंड पे आती है ट्रेन, मतलब स्टेशन पे आती है, तो वो 1 मिनट लेगी चलने में, और नेक्स्ट ट्रेन जो आएगी वो भी 1 मिनट में आएगी। तो इस तरीके से कुछ है, और बियॉन्डर ने जो है बोला कि ट्रेन से जाएंगे। तो हमने जीत को बोल दिया भाई जीत तू जो है वेट कर हमारा B3 पे, और B3 पे हम आ रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं B3 जोन में था और पोचिकनी में भी था, तो 26 सेकंड से B3 आने में, तो हमने कहा भाई आराम से जो है भाई जीत हम तो ट्रेन से आएंगे, तू गाड़ी लेके तैयार रही हो, हम तेरे को वहीं पे मिलते हैं। अब जब तक ट्रेन आ रही थी मैं यहाँ पे बियॉन्डर साथ मस्ती कर रहा था, तो हमने इस इमोट का नाम निकाला है चोटी रगड़ रगड़ के, क्योंकि इसमें जो है बंदा जो है हवा में ऐसे हाथ उड़ा उड़ा के हवा में और चोटी रगड़ता है। तो भाई हमने इस इमोट का नाम निकाल रखा है चोटी रगड़ रगड़ के। अब आप जैसे कि देख सकते हैं भाई अब टाइम हो गया था ट्रेन आने का, तो भाई फटाफट से ट्रेन आती है, मतलब मेट्रो आती है, और भाई जैसे ही मेट्रो आती है ना तो भाई हम इसके अंदर घुस जाते हैं। फिर मेरे को याद आता है यार 1 मिनट अभी तो आने में, मतलब चलने में 1 मिनट लगेगा। जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं भाई अभी 52 सेकंड बचे हुए हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है ऐसी बाहर रहते हैं, ट्रेन में बैठ के क्या करेंगे, मक्खी थोड़ी ना मारनी है। तो हम जो ऐसी मजे ले रहे होते हैं इधर उधर, आप जैसे कि देख सकते हैं, और भाई सही बता रहा हूँ यार ये वाला जो मोड है ना बहुत मज़ा आया। तो मैंने देखा यहाँ पे आग पड़ी हुई है, तो भाई मेरे पास बीड़ी का बंडल पड़ा हुआ था 500 का, तो मैंने कहा चल बियॉन्डर आज तेरे को बीड़ी पिलाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है 500 का बंडल निकाला, जैसे कि आप देखना अभी, तो मैंने यहाँ से एक 500 का बंडल उठा लिया, मतलब अपना वाला यूज़ नहीं करा पहले वाला, और मैंने इसको लो टॉस पे यहाँ पे बीड़ी के अंदर फेंक दिया। मैंने कहा चलो बीड़ी पी लेते थोड़ी बहुत, मतलब मैं पीता नहीं हूँ भाई, मतलब यहाँ पे जो है पबजी में चलता है भाई, पबजी में मजाक करने में मजा आता है ये बीड़ी का बंडल फेंकने में। तो भाई हमने ऐसे बीड़ी का बंडल ट्रेन के अंदर भी फैला दिया पूरा, और जो है मतलब ट्रेन में लिखा होता है ना नो स्मोकिंग जोन, तो हमने स्मोकिंग जोन बना दिया भाई ट्रेन को पूरा। और भाई उसके बाद जब ट्रेन चलने वाली थी, तो हम आके चुपचाप से ट्रेन में बैठ जाते हैं। मैंने कहा बियॉन्डर चुपचाप ट्रेन में बैठ जा, पता चला फिर तो तेरी ट्रेन छूट जाए तो भाई इसकी ट्रेन छूटे ना छूटे, इसलिए भाई ये ट्रेन से बाहर आता है ना, इसकी टट्टी निकल जाती है, अब की बार ट्रेन से बाहर जाऊंगा ही नहीं भाई। तो फटाफट आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन का दरवाजा बंद होता है और अंडरटेकर की ट्यून बजती है, और हम आ जाते हैं अपने स्टेशन पे B3 पे। और B3 पे आती है आप देख सकते हैं फिर से मेरी जो है हेल्थ गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है मॉन्स्टर था और भाई उस मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन भाई उसका इफेक्ट यहाँ पे रहता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव जोन है भाई ये वाला, तो हर एक मैप में जो है आपको अलग अलग रेडियो एक्टिव जोन मिलेगा, जहाँ पे आपको ये क्रेट भी मिलेगी, ठीक है। मतलब ये जो आप पीछे ट्रेजर देख रहे हो अंडरग्राउंड ट्रेजर, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ भी कम होगी, हर जगह नहीं होगी स्टेशन में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ आप देख सकते हैं भाई एक अलग तरीके से मतलब मैप का एंगल बदल जाता है, कैमरे का एंगल, और भाई पूरी तरीके से आपको दिखाया जाता है। लेकिन मैंने जब देखा ना बाहर, जैसे मैं आया तो सामने मेरे को गाड़ी दिख गई, तो मैंने जीत को बताया पीछे एक गाड़ी आई है स्क्वाड हाउस में, तो चल फटाफट से उसको मारते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम उसको मारने ही लग रहे थे, लेकिन इतने में जो है एक कमलेश उनको भाई बहुत गंदा वाला तंग करता है, और हम जो स्कैम करते इससे पहले उस कमलेश ने उसके साथ स्कैम कर दिया, और भाई बहुत स्कैम भाई कितना गंदा मरवाता है अभी आप देखना उन लोगों को। अब यहाँ पे दोस्तों वो जो है उस बॉट के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए जा रहे होते हैं, और अब देखना क्या होगा। वो देखो कमलेश की तरफ भाग रहा है, डुन 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 मैं मारूंगा बॉट, मैं मारूंगा, लेकिन इतने में जो हम लोग भी फायर कर देते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है हम लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। तो ये वाला शॉट कैसा लगा जरूर बताना भाई। AWM को पट से हेडशॉट मारा मैंने डायनामो की बन के उसको, और भाई फिर जो है भाई क्या था उसके बाद, तो मैंने बोला भाई फटाफट रश कर दो, क्योंकि मेरे को पता है वो रिवाइव हो जाएगा तो भाई किल नहीं मिलेगा, और किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। किल के लिए बहुत गंदी नियत होती है हर प्लेयर की, मेरी भी है, आप सभी की भी होगी, मुझे पता है भाई गंदी नियत सबकी होती है। अब मैं देख लेता हूँ एक बंदा अंदर भागता है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, स्प्रे नहीं मार पाता
हूँ, लेकिन देखना मैं यहाँ पे कैसे ही किल चुराऊंगा अभी भाई, कसम से कोई भी होगा ना उसको भी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन भाई देखना क्या ही किल चुराया मैंने यहाँ पे। तो भाई जीत का मैंने बहुत ही गंदा किल चुराया यहाँ पे, हालांकि जीत की एचपी भी कम कर दी थी उसने, लेकिन भाई कहीं ना कहीं जीत का किल चुरा लिया भाई मैंने वो। अब यहाँ पे मेरे को AW का सरप्राइजर भी मिल जाता है, जिससे मेरी AW में आ जाएगी पुचुक पुचुक, मतलब मैं किसी को मारूंगा तो एकदम पुचुक पुचुक आवाज आएगी, पता नहीं चलेगा उसको कहाँ से मार दी मैंने, तो भाई इसलिए जो मैंने वो उठा लिया। अब यहाँ पे जो है कमलेश की हरी वाली गोलियाँ इतनी ज़्यादा पड़ी थी ना कि आप देख सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा उठा ली है, तो मेरे को पता था भाई टीम मेट वगैरह कभी भी कोई भी भीख मांग सकता है, आपको पता ही है आजकल गेम में क्या रहता है, अरे 5 KMO दियो, अरे 7 KMO दियो, अरे हाजमोला दियो, तो ऐसे करके भाई बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं गेम में, तो इसलिए जो मैंने उठा ली, मैंने कहा अपने टीम मेट के काम आ जाएगी, कूड़ा भीन रखा है मैंने। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं जा ही रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कहा चलो निकलते हैं, लेकिन इतना मेरी नज़र पड़ती है सरकारी ड्रॉप पे, जो कि जादू ने अभी अभी फेंका होता है आसमान से, तो मैंने कहा भाई चलो फटाफट से सरकारी ड्रॉप को लूटते हैं भाई, सरकारी ड्रॉप पे और सरकारी जॉब पे सबकी नज़र रहती है, इससे पहले हम लूट लेते हैं। अब जैसे हम सरकारी ड्रॉप पे आते हैं तो भाई इसके अंदर मैं देखता हूँ M249 पड़ी है, और मेरे को वो चाहिए नहीं थी, तो मैंने कहा भाई बिल्डर तो आज एक काम कर डबल M249 उठा ले और भाई अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा ले मेरे पास बहुत सारी गोलियाँ भी पड़ी है तो गोलियाँ भी ले ले, तो यहाँ पे मैं बियॉन्डर को भाई मतलब ऑलमोस्ट 200+ गोलियाँ दे देता हूँ, मैंने कहा ले भाई तू जा जी ले अपनी जिंदगी, और भाई बियॉन्डर उसको लेके भाई पागल हो जाएगा, अभी आपको दिखाऊंगा। अब जरूरत से ज़्यादा गोली और जरूरत से ज़्यादा अगर आप किसी को पैसा दे देते हो तो भाई वो पागल हो जाता है, और वही हुआ बियॉन्डर के साथ। अब यहाँ पे बियॉन्डर के नशे आप देखने वाले पागल हो रहे, ये देखो पागलों की तरह हवा में गोलियाँ चलाया जा रहा है, पागल हो गया भाई बिल्कुल, मैंने कहा भाई पागल हो गया क्या, रुक जा भाई रुक जा, अरे भैया रुक जाओ शांत हो जाओ भैया, अरे अरे देखना M249 है तेरे पास, दुनिया को मत बता भाई, कोई आकर हमें पेल जाएगा, ओपन में हम वैसे घूम रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम कमलेश की तरफ भागते हुए गाड़ी ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारी गाड़ी का हो चुका था पेट्रोल खत्म, और भाई यहाँ पे जो है आसपास कोई और गाड़ी हमें दिख भी नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट आगे निकलते हैं, इन घरों की तरफ चलते हैं, हो सकता है हमें पेट्रोल मिल जाएगा या फिर जो है कवर वर तो मिल जाएगा भाई, ओपन से तो बढ़िया ही है, किसी घर में चलते हैं। तो यहाँ से हम कमलेश की तरफ भागते हुए घर की तरफ जाते हैं, लेकिन जीत जो है भाई पता नहीं कहाँ से धूम वाली ऋतिक रोशन वाली बाइक लेके आ जाता है और मेरे को बैठा लेता है, तो बोलता है चलो गौरव भाई धूम मचाते हुए निकलते हैं। अब जैसे हम धूम मचाते हैं यहाँ से निकल रहे होते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं जीत की नज़र पड़ जाती है बंदों पे, तो भाई जीत बोलता है अरे बंदे, तो मैंने कहा कहाँ पे बंदे, अभी मारता हूँ उनको, AW का पट से हेडशॉट मारूंगा, मैं हूँ डायनामो। तो यहाँ आप देख सकते 3-3 बंदे थे, तो मैंने पहला शॉट ऐसे ही मार दिया भाई रैंडमली, किसी को लग जाए लेकिन किसी को भी एक भी शॉट नहीं लगता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं सोच रहा था कोई एकदम मतलब स्टेबल बैठा हो उसको मैं एकदम से पट से हेडशॉट मारूंगा, और ऐसा ही होता है भाई, एक को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब इसके बाद भाई इस बंदे को देखना, मैं पहला शॉट मारता हूँ और उसके बाद जो है दोस्तों मैं यहाँ पे कितने शॉट मारता हूँ उसको लगते ही नहीं है, तो भाई पता नहीं कौन सा ग्लिच हो गया था, रिच का ग्लिच पड़ रहा था क्या पड़ रहा था भाई, मैंने इसको इतनी गोलियां मारी लेकिन ये नॉक ही नहीं होता, मैंने कहा यार लगता है जीत ले जाएगा किल, तो मैंने फटाफट से एक और बार ट्राई करा भाई, मैंने कहा यार मर ही नहीं रहा क्या हो रहा है भाई ये, और फाइनली इसको जो है यहाँ पे गोली लगती है और ये नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही दोनों नॉक होते हैं तो मैंने जीत को बोला भाई जीत ये मेरे को किल चाहिए भाई प्लीज रिवाइव नहीं होनी चाहिए, तो फटाफट से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं भागा यहाँ से तो इतने में जीत ने एक को मारा और फिर दूसरे को मारा और फाइनली दोस्तों हमारा यहाँ पे चिकटर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है सीजन रीसेट हुआ तो भाई मेरी रैंक भी कमी है और मैं यहाँ पे अभी गोल्ड 2 पे ही हूँ, क्योंकि भाई मैंने जो है KR वर्जन अभी अभी खेलना शुरू करा है, तो रैंक रीसेट होने की वजह से जो यहाँ पे मैं गोल्ड 2 पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और इसी के साथ 10 किल के साथ दोस्तों ये वाला गेम प्ले पसंद आया अगर आप लोगों को तो लाइक करना शेयर करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए सपोर्ट करो भाई को यार, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।